तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली अपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहली बात कि नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है और हर एक किडनी में, ईच किडनी में हमारे 1 मिलियन नेफ्रॉन्स तक हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक किडनी की बात कर रहा है, 2 किडनीज की, क्योंकि 2 किडनीज में ये नंबर 2 मिलियन तक पहुँच जाएगा। अब नेफ्रॉन को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है अपना ग्लोमेरुलस और दूसरा अपना रीनल ट्यूब्यूल। अब ग्लोमेरुलस की हमें डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। अब अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो अपना एफरेंट आर्टरियोल है वो बेसिकली काफ़ी सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो गया है और इसी को, गुच्छे को या बंच को ही हम अपना ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगला एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो एफरेंट आर्टरियोल है ये बेसिकली एक एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंशन है अपनी रीनल आर्टरी की। आपको दिख रहा होगा ये अपनी रीनल आर्टरी और ये एंटर हो रही है और ये फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी एफरेंट आर्टरियोल में और वो फर्दर अपने काफ़ी सारी कैपिलरीज को ओरिजिनेट करेगा और एक बंच सा बन जाएगा जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोल दिया। दूसरा अपना आता है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल क्या है, जो आपको ये येलो सी दिख रही है ये अपनी सारी की सारी रीनल ट्यूब्यूल है। तो जो ये वाला पोर्शन है ये अपनी सारी रीनल ट्यूब्यूल में आ जाता है और रीनल ट्यूब्यूल के भी हमने काफ़ी सारी मतलब कि मार्किंग्स दी गई हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, हमसे पूछा है कि द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल क्या है, बेसिकली जो अपना ग्लोमेरुलस है वो एक स्ट्रक्चर में, कप शेप स्ट्रक्चर में बंद है और इसी को ही हमने बोमेंस कैप्सूल बोल दिया क्योंकि कैप्सूल की तरह लगता है जिसके अंदर अपना ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज है वो फिट हो रही है। उसके बाद हमने बेसिकली, हमें मालफीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल के बारे में पता होना चाहिए। अब अपने ग्लोमेरुलस और अपने बोमेंस कैप्सूल दोनों को अगर ऐड कर दे तो वही बन जाता है अपना मालफीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। आपको दिख रहा होगा ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेंस कैप्सूल इस कॉल्ड द मालफीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। अब फर्दर हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स की फर्दर मार्किंग्स को। अब जब हमारी बोमेंस कैप्सूल हुआ, उससे फर्दर जब हम जाएं, आपको दिख रहा होगा बहुत सारी कर्व्स या फिर कॉन्वोल्यूशंस आपको दिख रही होंगी और इसी को हम कहते हैं PCT या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये इसके नज़दीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब नज़दीक वाला और डिस्टल का मतलब दूर वाला। तो जो ये कर्व्स हैं ये बोमेंस कैप्सूल के पास हैं इसीलिए प्रॉक्सिमल हो गए, तो इट इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फर्दर जब आप नीचे जाओगे आपको एक लूप सी दिखेगी, इसी लूप को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद फर्दर आपको फिर से वो कर्व्स या फिर कॉन्वोलेशंस दिखेगी, ये थोड़ी दूर है इसलिए हमने इनको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम दे दिया है। अब जो हमारी आपको लूप दिख रही है उसको, इसको हम डिसेंडिंग लूप कहेंगे क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, और इसको हम असेंडिंग लूप कहेंगे। सो इट इज़ द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा है अपनी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ट्यूब्यूल कॉन्टिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि मैंने आपको बता दिया ये वाला पोर्शन। उसके बाद हमें दिया गया कि अ हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिंब। हमने ये भी पढ़ लिया था कि PCT के बाद हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा यू शेप्ड या फिर हेयर पिन स्ट्रक्चर, जिसको हमने लूप ऑफ हेनले कहा था, और एक अपना डिसेंडिंग होगा और दूसरा असेंडिंग होगा और ये हेयर पिन की तरह लगता है। ये साइड में मैंने हेयर पिन शो किया होगा, आप रिलेट कर सकते हैं, दोनों सेम से लग रहे हैं। उसके बाद द असेंडिंग लिंब कॉन्टिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। हमने पढ़ा था कि पहले PCT आता है, फिर लूप ऑफ हेनले आएगी, फिर DCT या फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ जाएगी। नाउ द DCTs ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब्यूल ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या होगा, हमारी जो भी फिल्ट्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन होती है वो अपनी नेफ्रॉन के अंदर होती है। उसके बाद DCT के बाद हमारे बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो DCT है वो कंबाइन हो जाती है अपने कलेक्टिंग डक्ट में और ये फर्दर
अपने आगे को चला जाता है, जो भी सामान इसके अंदर है। आपको दिख रहा होगा कि एक डी सी टी तो ये है, दूसरी डी सी टी हमें यहाँ शो की गई है, तीसरी यहाँ पे शो की गई है। तो बहुत सारी डी सी टीज हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर होती हैं। जो हमारी डी सी टीज कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, अब हमने पढ़ा कि बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स अटैच होते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट फर्दर ओपन होती है, अपनी रीनल पेल्विस से होकर इस तरह से बाहर को चली जाती है। आपको मैं लाइन दिखा देता हूँ वो वाली, तो ये दिख रहा होगा, द डी सी टीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इन टू द स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इन टू द रीनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस। अब जो डी सी टीज हमारी कलेक्टिंग डक्ट से अटैच हुई, वो फर्दर चली जाएंगी, ओपन हो जाएंगी अपने रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वो ओपन हो जाएंगी और फर्दर उसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि उनका होगा क्या। उसके बाद द माल्फीजियन कॉर्पसल पी सी टी एंड द डी सी टी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, वेयर एज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इन टू द मेड्यूला। अब बेसिकली इसमें हमें वो बता रहे कि जो हमारा माल्फीजियन कॉर्पसल है और जो पी सी टी और डी सी टी है, वो अपने कॉर्टेक्स होती है किडनी के, कॉर्टेक्स वाला होता है अपना आउटर रीजन। किडनी को बेसिकली हमने एक दो हिस्सों में पढ़ा था, एक कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन था और एक मेड्यूला जो कि अंदर वाला रीजन था। अब हमें वो बता रहे कि जो माल्फीजियन कॉर्पसल है पी सी टी और जो डी सी टी है, वो अपने कॉर्टेक्स रीजन में होगी, बेसिकली इस वाले रीजन में प्रेजेंट होगी, और जो अपनी लूप ऑफ हेनले है वो अपने मेड्यूलरी रीजन में होगी, मतलब किडनी के अंदर वाले रीजन में, इस वाले रीजन में होगी। बेसिकली हमारे नेफ्रॉन्स भी दो टाइप्स के होते हैं, उसी के लिए ये लाइन उन्होंने दी है। अब हमें पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले छोटी होती है और एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटल इन टू द मेड्यूला, मतलब ज़्यादातर नेफ्रॉन्स की जो लूप ऑफ हेनले है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और बहुत कम डिस्टेंस ही मेड्यूला के अंदर जाएगी। और इन नेफ्रॉन्स को हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्योंकि इनका मेजर पोर्शन अपने कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आ रहा है। जबकि कुछ और नेफ्रॉन्स भी होते हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबी होती है और वो बहुत डीपली जाती है मेड्यूला वाले रीजन के अंदर, और इन टाइप के नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। तो बेसिकली हमें दो नेफ्रॉन्स पढ़े, कॉर्टिकल और दूसरा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। डिफरेंस बेसिकली लूप ऑफ हेनले की डेप्थ में था। नाउ द एफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो अपनी एफरेंट आर्टेरियोल है, ये फर्दर जाके एक नेटवर्क सा बना रही है और इन्हें ही हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। और ये नेटवर्क आपको दिख रहा होगा लूप ऑफ हेनले को भी कवर कर रही है, और इसको हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं वासा रेक्टा का। इसका भी रोल आप आगे पढ़ोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। सो द वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि हमारे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगी या फिर बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी। सो ये बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के बारे में था नेफ्रॉन की। हम इसके फंक्शन के बारे में अपनी अगली वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है।